नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइंस क्विज के बारे में। जी, ये जो हमारा साइंस क्विज है, ये थर्ड क्विज है। पहले हम दो क्विज डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चन लिए थे जो बेसिक है साइंस के। तो चलिए नेक्स्ट जो क्विज है वो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, व्हाट इज फोर्स एंड इट्स यूनिट्स। तो फोर्स क्या है और इसके यूनिट्स जो है वो क्या होती है। तो फोर्स क्या होती है, डेली लाइफ के अंदर जो है आपने फोर्स को एक्सपीरियंस किया होगा। मान लीजिए आप किसी चीज को खींचते हैं, वो भी फोर्स है। आप किसी चीज को धकेलते हैं, वो भी फोर्स है। तो फोर्स को एक जनरली एक सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो पुश है, और या फिर पुल आप इसको कह सकते हैं, जो कि चेंज करता है या फिर टेंडेंसी रखता है चेंज करने की। जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो उसको जो है मोशन में ला सकता है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसको रेस्ट में ला सकता है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल है, और ये क्या करता है, हमारी टेंडेंसी चेंज कर सकता है किसी भी स्टेट की। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में उसको ला देगा, और मोशन में है तो रेस्ट में उसको ला देगा। तो इसकी यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो न्यूटन से हम इसको जो है बताते हैं कि एसआई यूनिट है। और सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। और अगर हम 1 न्यूटन की और डाइन के कंपैरिजन की बात करें, तो 1 न्यूटन हमारा होता है 10^5 डाइन। तो ये आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो फोर्स होती है 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन कैसे आया है। तो पहले हमें न्यूटन को समझना होगा, और फिर डाइन को समझना होगा, फिर इनके बीच के इस रिलेशन को समझना होगा। तो जो 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन होता है 1 kg इंटू मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि ms-2 आप लिख सकते हैं। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स क्या फोर्स होती है, ये वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की किसी भी बॉडी के अंदर, जिसका मास हो 1 kg। तो ये इसके बराबर होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम 1 डाइन की बात करें, तो जो 1 डाइन है तो वो जो है वो किसके बराबर होता है, ये सीजीएस यूनिट है। तो ये हमारी होती है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है, क्योंकि मीटर को यहाँ सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, किलोग्राम को ग्राम में। यानी कि 1 डाइन जो है वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की किसी भी बॉडी के अंदर, जिसका मास 1 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 न्यूटन की बात करें, तो 1 न्यूटन किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए 1 kg। अब 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 10^3 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के बराबर है। इसी तरह से जो 1 मीटर जो है पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे 10^2 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब 10^3 और 10^2 ये कितना हो गया, 10^5 हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, डाइन के बराबर है। तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाइन। तो ये जो है हमारा, इसीलिए जो 1 न्यूटन है 10^5 डाइन के बराबर होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये इसके बराबर क्यों है। तो फोर्स है, उसके यूनिट क्या है, ये हमने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हमारा होता है किसी भी बॉडी की रजिस्ट करने की जो क्षमता है। यानी कि जब भी आप किसी बॉडी को उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, और मोशन से उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो वो उस चीज का विरोध करती है, रजिस्टेंस उस चीज को प्रोवाइड करती है। तो वो होता है हमारा इनर्शिया। यानी कि देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो वो उस चीज का विरोध करेगी, उस चीज को हम इनर्शिया बोल देते हैं। अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया के ऊपर ही बेस होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ए बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी है हमेशा अपनी रेस्ट की पोजिशन में ही रहना पसंद करेगी, या फिर मोशन में ही रहना पसंद करेगी, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट नहीं होती। जब तक आप कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद करती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया के ऊपर ही ये बेस है।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है हमारा मोमेंटम के ऊपर बेस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड और किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम समझते हैं, इस टर्म को पूरी को समझते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की, तो पी क्या होता है हमारा मोमेंटम, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये हमें पता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो मान लीजिए चेंज क्या होगा इसके अंदर, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये क्या होगा हमारा P2 - P1। P2 - P1 का क्या मतलब है कि मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी कोई v है, इनिशियल वेलोसिटी कोई u है, ये तो हमें पता ही है, फाइनल वेलोसिटी हम v लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं, और कोई मास है वो सेम ही है किसी बॉडी का। तो मान लीजिए यहाँ से वो चली इस तरह से, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी थी वी थी, और मास क्या है इसका, एम है, तो मास तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एम वी माइनस एम यू आ जाएगा, क्योंकि पी किसके बराबर है, एम वी के, तो पी एम वी और यहाँ पी एम यू के बराबर ही इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन जो मोमेंटम आ गया। या फिर यहाँ से आप एम को कॉमन ले सकते हैं, ये क्या आ गया, वी माइनस यू आ जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू जो है, अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम है यानी कि एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी कर देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका आ जाएगा एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, ये आ जाता है। और यहीं से जो है, अगर यहां से ये हम अगर अप्लाइड फोर्स की बात करें, जो अप्लाइड फोर्स है यानी कि जो आपने अप्लाई की है इस चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए, तो वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू बाई टी के बराबर होगी। यानी कि आप जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसके कारण से आया है, जो आपने अप्लाइड फोर्स की है, तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ गई, सिर्फ इसी के बराबर आ गई जो ये था। तो यहाँ पे जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू बाई टी आया है, तो यहाँ पे जो है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दोबारा से अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें, के लिख दें हाँ, और यहाँ एम आ गया, और वी बाई टी, अगर हम जो चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी बाय जो टाइम है, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर हम k की वैल्यू इस तरह से चूज करें कि जो k क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इस तरह से अगर हम इसकी चूज करें यूनिट को कि k जो है 1 बन जाए, तो f क्या हो जाता है हमारा, ma के बराबर हो जाता है। तो हम इस तरह से चूज करते हैं इसकी यूनिट्स को कि जो k है वो 1 बन जाता है, फोर्स की इस तरह से यूनिट को चूज किया जाता है, यानी कि फोर्स किसके बराबर आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। ये आप समझे, हमने चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की जिससे हमने फोर्स निकाली, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि वही जो हमने अभी देखा, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है प्रोपोर्शन होता है फोर्स अप्लाइड, और किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, यानी कि एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से आप चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के साथ आप इसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इंपल्स। अब इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है अगर हम जो है अमाउंट ऑफ फोर्स जो है अप्लाई करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो जो है चेंज ऑफ मोमेंटम को लाती है, तो उसको हम इंपल्स कहते हैं। इंपल्स क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की कि हमने क्या करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम इम्पल्स बोल देते हैं। अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, हम इसको जे से वैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी कहीं कहीं जगह पे करते हैं, तो ये क्या है, एफ इंटू टी। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं कि ये जो होता है हमारा इम्पल्स होता है, यानी कि आप कह सकते हैं जो इम्पल्स है वो क्या है, ये फोर्स के जो हमारा इम्पल्स जो है किसी भी फोर्स का, वो मेजर करता है टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी कि जो फोर्स का टोटल इफेक्ट पड़ा है वो कितना है। इम्पल्स एवरेज फोर्स इनटू टाइम हम लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो फोर्स है वो हमारा चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि डीपी बाय आप उसको डीटी लिख सकते हैं, इसी के बराबर होता है। और यहाँ पे आप इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, एफ डी टी, ये डी टी इस तरफ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा डी पी, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इसको यूनिट्स दे देते हैं। अब ये टाइम है तो इसको आप जीरो से टी दे दीजिए, और ये जो मोमेंटम है तो आप इसको पी वन से पी टू दे दीजिए, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। और जब आप जो है पी वन जो है इनिशियल लीनियर मोमेंटम है जब टी जीरो था, तो ये हमने दिखाया है कि पी वन जो है इनिशियल मोमेंटम है जब टी जीरो था, और जब किसी टाइम टी पर टी टाइम हमने लिया तो जो पी टू है फाइनल मोमेंटम था। अब जो एफ ए वी जो है, मान लीजिए अगर हमारी एवरेज जो फोर्स है ड्यूरिंग द टाइम टी अगर हम लगाते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको दोबारा से रिफॉर्म करके लिख सकते हैं एफ एवरेज, और इसका डी टी का क्या हो जाएगा टी, और इसकी जो यूनिट जो लिमिट है जीरो से टी हो जाएगी। और यहाँ पे डी पी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पी आ जाएगा, और ये जो इसकी लिमिट है वो क्या आ जाएंगी, पी वन से पी टू आ जाएंगी। इसके ऊपर एरो है तो एरो आप लगाते रहिएगा। तो इस तरह से जब आप इसको दोबारा से सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ एवरेज इनटू ये क्या आ गया टी, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारा पी टू माइनस पी वन के बराबर आ गया। ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, और यही जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ये हमारी एवरेज फोर्स इनटू टाइम के बराबर है, और यही जो है हमारा इम्पल्स है। आई से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कई जगह जैसे भी इसको डिनोट किया जाता है, आई से भी डिनोट किया जाता है। तो इंपल्स क्या है, वो फोर्स है, या कहें कि इंपल्स जो है किसी भी फोर्स का ये क्या है, प्रोडक्ट होता है हमारा एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इंपैक्ट और कितने टाइम के लिए हो रहा है। तो एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इंपैक्ट और कितने टाइम के लिए वो हुआ, तो ये क्या है, ये हमारा टोटल चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसके बराबर है, तो उससे हम उसको उसके बराबर हम रख सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इंपल्स हमारा क्या है, अगर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो हमने बात की एवरेज फोर्स इनटू टाइम की, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, तो टू काउज द चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरह से आप इंपल्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये हमेशा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू वन अनदर मूव करता है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई बॉडी है, आप इसको स्लाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा जो है इसका विरोध करेगी, तो ये फ्रिक्शन फोर्स होती है। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाती। तो फोर्स जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जब भी किस चीज को, मोशन को करेगी हमेशा रेजिस्टेंस प्रोवाइड, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मूव करता है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है, एक और बात इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का क्या मतलब है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब है कि मान लीजिए आपने इस बॉडी को मूव करने के लिए आपको 10 किलो न्यूटन की फोर्स चाहिए। अब मान लीजिए आप यहाँ 10 किलो न्यूटन की जगह यहाँ पे आप 5 किलो न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, तो ये जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है मूव नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 5 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे 6, 7, 8, 9 किलो न्यूटन भी बढ़ाते चले जाते हैं फोर्स को, ये भी जो फ्रिक्शन फोर्स है 6, 7, 8, 9 किलो न्यूटन के बराबर होती चली जाएगी, यानी कि ये क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जब आप पूरी 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तभी ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो खुद ही खुद एडजस्ट हो जाती है जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं, और तभी मूव करती है जब जो है उसको पर्याप्त जो है फोर्स आप देते हैं या इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करते हैं, तभी जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो रेजिस्टेंस मोशन को मिलता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी आप कह सकते हैं दूसरे को, अगर वो उसके ऊपर मूव कर रहा है, या किसी सरफेस के द्वारा कह सकते हैं अगर उस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, एक तो आप इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, और इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर गैलीलियो ने कई एक्सपेरिमेंट किए थे जो लॉ ऑफ इनर्शिया को दिखाते थे।
उन्हीं के ऊपर बेस होके जो है न्यूटन ने अपना ला दिया था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आप इसको बोल सकते हैं, या फिर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है आप इसको बोल सकते हैं, ये अदर नाम आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन। इनर्शिया आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, वो उसका अपोज करती है। अब उसकी रेस्ट का एग्जाम्पल हमें देना है, मोशन का और डायरेक्शन का देना है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर जो है कॉइन प्लेस्ड ऑन ए कार्ड, ये हम एग्जाम्पल लेंगे। यानी कि आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने एक गिलास ले लिया और यहाँ पे एक कार्ड ले लिया। ये क्या ले लिया आपने? एक कार्ड ले लिया। कार्ड क्या है? आप कोई जैसे आप ताश का पत्ता ले सकते हैं या इस तरह का कार्ड ले सकते हैं, ये गिलास है। यहाँ पर आप एक कॉइन रख देते हैं, ये कॉइन है। तो यहाँ पे आपने कॉइन रख दिया। अब ये कॉइन जो है इस पत्ते के ऊपर रेस्ट में है, और या फिर जो आपने कोई कार्ड लिया है इसके ऊपर रेस्ट में है, और ये गिलास है, अब ये रेस्ट में पड़ा है। आप कार्ड को एकदम से खींच देते हैं, एकदम से खींच देते हैं, तो ये कॉइन जो है यहाँ पर जो है नीचे जो है गिर जाता है, इस गिलास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या था, रेस्ट के अंदर था, और ये अपनी पोजिशन, या कहें कि अपनी जो रेस्ट की पोजिशन था उसको चेंज नहीं करना चाहता था। आपने एकदम से कार्ड को खींचा तो रेस्ट में होने के कारण ही सीधा नीचे ही गया, वो उसके साथ नहीं गया। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है इनर्शिया का, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि किस तरह से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता इसलिए वो नीचे गिर जाता है। ए पर्सन गेटिंग डाउन ए मूविंग बस और ट्रेन, ये मोशन का एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि मान लीजिए आप हैं और एक चलती बस से जो है आप नीचे उतर रहे हैं। जैसे ही आप चलती बस से नीचे उतरेंगे, तो मान लीजिए चलती बस से आपने छलांग लगा दी, तो आपके जो फुट हैं वो ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है और फुट जो है ग्राउंड के साथ जो है एकदम से, आप तो क्या थे, बस के साथ आप मोशन में थे पहले, तो आप मोशन में थे, लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड पे आए तो ये जो मोशन की स्थिति है एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाएगी। तो जैसे ही आप ग्राउंड पर उतरेंगे आपके फुट एकदम से टच होंगे, आपकी पूरी बॉडी जो आगे की तरफ जो है एकदम से फुट के नीचे टच होते ही आप जो है गिरने लगेंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी है आप मोशन में थे, एकदम से आप अगर रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे तो उसका वो इनर्शिया जो है उसका विरोध करेगा और आपको जो है मोशन में ही रखेगा, जिससे कि आप कई बार गिर भी जाते हैं। तो बस या ट्रेन से जो है हमें चलती चलती बस या ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। अगर कोई कार टर्न लेती है तो करुड़ पाथ, जब मान लीजिए कोई कार टर्न ले रही है, कोई करुड़ पाथ है, इस तरह से कोई करुड़ पाथ है, और कार जो है यहाँ पे मान लीजिए एक कार है वो मूव कर रही है और आप उसके अंदर बैठे हैं। जैसे ही आपने एक शार्प टर्न लिया, एक शार्प टर्न लिया, आप जो है वहां पर बैठे हुए जो है उस तरफ दूसरी तरफ जाते हैं। जैसे ही आप इस तरफ टर्न लेंगे तो उस तरफ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी डायरेक्शन है एकदम से चेंज हो गई है, और आप जो है जैसे ही आपने शार्प टर्न लिया तो आप उस तरफ खिसक जाते हैं, क्योंकि जो है आप जो है पहले तो रेस्ट में थे, तो लेकिन जैसे ही जो है आपने एकदम से शार्प टर्न लिया, डायरेक्शन एकदम से चेंज की, तो आप जो है मोशन में आ जाते हैं, यानी कि एकदम से उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, लेकिन शार्प टर्न की वजह से आप जो है स्लाइड हो जाते हैं या उस तरफ जो है खिसक जाते हैं। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप ये तीनों एग्जाम्पल इसके अंदर दे सकते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसको समझते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। मान लीजिए एक टेबल है या एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई डिब्बा पड़ा है और आप जो है इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, और आपका कोई फ्रेंड है वो दूसरी तरफ से जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि आप इस तरफ और ये इस तरफ। अगर आपकी फोर्स बराबर है, यानी कि F1 जो है ये F2 अप्लाई कर रही है, अगर ये बराबर है तो ये फोर्स जो है मूव नहीं करेगा, यानी कि ये रेस्ट पर ही रहेगा। इसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। यानी कि आपने जो अप्लाई की और दूसरे फ्रेंड ने अप्लाई की, आपके ये क्या है, इक्वल और ऑपोजिट है। तो ये क्या है, आपने इस तरफ लगाई लेकिन ये इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, तो इसने जो है इसके जो है इस तरह से आप कह सकते हैं कि इक्वल और ऑपोजिट होंगे। तो ये क्या होगी, हमारी इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं ये हमारी बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। लेकिन क्या हो, अगर F1 को आप इंक्रीज कर दें, F1 को बढ़ा दें,
तो क्या होगा, ये जो डिब्बा है ये इस तरफ मोशन के अंदर आ जाएगा, आपकी फ्रंट की फोर्स जो है इस पर काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगा दी है, वो इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो फोर्स हो जाती है ये हो जाती है अनबैलेंस्ड फोर्स, सिंपल सी बात है। तो बैलेंस फोर्स क्या है, अगर टू इंडिविजुअल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है, मात्रा में बिल्कुल इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब तो बैलेंस रहेगी। अनबैलेंस फोर्स क्या होगी, अगर दोनों इंडिविजुअल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है, यानी कि एक बड़ी है और एक छोटी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो होंगी ही वो, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डज इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, इफ डिपेंड गिव एग्जाम्पल। कि जो इनर्शिया है क्या वो मास पे डिपेंड करता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, मान लीजिए इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप जो है एक ट्रॉली ले लें, छोटी सी ट्रॉली ले लें, आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे एक ट्रॉली लेते हैं। मान लीजिए आप इसको जो है पुश कर रहे हैं, इस ट्रॉली को आप पुश कर रहे हैं, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए आगे कोई जो है इसी तरह की कोई हैवी चीज पड़ी है, मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कोई कार है, इस तरह से कोई कार है, और इसी फोर्स के साथ जितनी फोर्स आपने इस पर लगाई, इसी फोर्स को सेम फोर्स लगानी है इस कार के ऊपर, क्या ये कार मूव करेगी? नहीं करेगी। लेकिन ये ट्रॉली थी ये तो मूव कर रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इनर्शिया है मास पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड कैसे करता है, यानी कि जो फोर्स है ये आपको कम अप्लाई करनी पड़ती है जिसका मास जो है कम होता है उन चीजों पर, तो उसके लिए फोर्स भी आपको कम चाहिए। लेकिन जिनका मास ज्यादा है, जिनका मास जो है ज्यादा है, तो उसके लिए फोर्स भी आपको ज्यादा चाहिए। तो यानी कि मास जो है एक तरह से जो है इनर्शिया जो है आप मास से रिलेट कर सकते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, अगर आप आगे ट्रेन ले लें तो ये फोर्स जो है कार को मूव करने वाली फोर्स ट्रेन पे काम नहीं करेगी। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, उतनी ज्यादा वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगी वो फोर्स को या किसी चीज को जो उसको स्टेट को चेंज करना चाहती है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, हैवियर द मास, या कहें कि हैवियर द बॉडी हायर द इनर्शिया, लाइटर द बॉडी या लाइटर द मास, और जो लोअर विल बी द इनर्शिया, हमने एग्जाम्पल के साथ इसको देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि थ्रस्ट क्या है। अब थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या होता है जो थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट यानी कि मान लीजिए कोई भी फोर्स है इस तरह से, ये कोई सरफेस है और आपने यहाँ पे फोर्स लगा दी, तो ये जो फोर्स है इस परपेंडिकुलरली लग रहा है किसी भी सरफेस पे, तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेशर क्या है। अब प्रेशर में आप समझिए, देखिए प्रेशर क्या है, फोर्स और थ्रस्ट। अब देखिए, या तो आप इस फोर्स को ले लीजिए या जो ये थ्रस्ट है, यानी कि जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पे, चाहे आप फोर्स की बात कर लें चाहे आप जो थ्रस्ट की बात कर लें, एक ही बात है। तो वो अगर पर यूनिट एरिया पे एक्ट करता है तो वो प्रेशर होता है। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और प्रेशर क्या है, फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जो हम फॉर्मूला भी लिखते हैं इसका प्रेशर का, तो उसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया पे है, ये क्या है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो उसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं। तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। अब फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, अब देखिए फोर्स क्या है, पुश और पुल है, जैसा कि हमने बात की थी। ये जो क्या है, पुश और पुल एक्शन है, जो कि रिजल्ट क्या आता है, जिसका चेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं किसी बॉडी को, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर क्या है, अभी हम हमने देखा, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिजल्ट स्प्रेडिंग ऑफ फोर्स ओवर ए सर्टेन एरिया, ये हमें ध्यान देना है। प्रेशर क्या है, अगर सिंपल सी बात करें, फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर सर्टेन एरिया के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, तो वो चीज जो है आप उसको बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया आप इसको बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रेशर क्या है, जैसे कि हमने बात किया ये परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। अब कोई भी जो एरिया है, मान लीजिए यूनिट एरिया है, परपेंडिकुलरली एक्ट करता है प्रेशर,
तो फोर्स पर यूनिट एरिया आप इसको बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेस क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा है, ये बाहरी फोर्स है, जो बाहरी एक्सटर्नल फोर्स आप इसको बोल सकते हैं कि एक्सटर्नली ये एक्ट करता है, लेकिन जो स्ट्रेस है वो रेजिस्टिव फोर्स होता है। जब आप इसको दबाएंगे तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी जो है, जो रेजिस्टेंस इसको देगी, रेजिस्टेंस इस प्रेशर को देगी, तो वो चीज होती है स्ट्रेस, यानी कि रेजिस्टिव आप इसको बोल सकते हैं, जो रेजिस्ट करता है किसी चीज का। प्रेशर क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, लेकिन स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। इसको आप बोलेंगे कि जो बॉडी है उसके मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रेशर आप दे रहे हैं, यानी ये प्रेशर के कारण स्ट्रेस पैदा होता है, और प्रेशर जो आप देते हैं उसका जो विरोध करता है ये स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स टू द डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, तो ये होगा हमारा स्ट्रेस। तो ये जो दोनों के बीच में अंतर जो है आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टिव इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ये चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स, अब देखिए यहां भी एक छोटा सा मिन्यूट सा डिफरेंस है, इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है किसी भी चीज पर। मान लीजिए एक बैट्समैन है और वो बैट लेकर इस तरह से बैटिंग कर रहा है, और एक बॉलर है जो बॉल को डाल रहा है, जब बॉल बैट से टकराएगी तो बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए टकराएगी, ये जो होगा ये हमारी इम्पल्सिव फोर्स होगी जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करेगी। जब भी आप किसी चीज को हिट करते हैं, किक करते हैं, इस तरह से ये जो फोर्स होती है इम्पल्सिव फोर्स होती है। लेकिन इम्पल्सिव फोर्स को मापना बहुत ज्यादा जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसीलिए जो है हम एक दूसरा कंसेप्ट लाते हैं कि टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को अगर हमें मापना है तो हम लाते हैं इम्पल्स को। तो इम्पल्स क्या करता है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण जो हुआ है उसको हम माप लेते हैं, तो वो इम्पल्स में आ जाता है। इम्पल्सिव फोर्स क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करना, जिसको हम मापना काफी कठिन हो जाता है, तो दूसरा कंसेप्ट आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या करता है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को मापने के काम आता है, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम जितना आया इसके अंदर काउज्ड बाय द इम्पल्सिव फोर्स, इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण उसको हम इम्पल्स बोल देते हैं। तो ये था हमारा साइंस क्विज, जो कि हमने इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।